दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस घर का वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ। एक अपडेट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, जैसे उस दिन भैया आपको का वर्क चल रहा था। देखिएगा, ये फर्नीचर उन्होंने लगा रहे थे, अभी डेकलम नहीं लगाए थे। ऊपर का जो शीट रहता, देखो लैमिनेट शीट, तो अभी लगाया गया। सो अभी मैं वॉक थ्रू दिखाता हूँ। टी वी यूनिट देख लीजिएगा, बेडरूम, एक 2 BHK घर है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द हाउस ओनर, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर ऑफ दिस हाउस, ऑल 100% कॉन्ट्रैक्टर्स। अभी देखिए दोस्तों, ये बाहर का व्यू है, ये बाहर का व्यू, फ्रंट एलिवेशन, कलर कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं आप। चलते हैं अंदर। अभी ये इसको ग्रेनाइट वर्क भी करना है, इसको जो है ग्रेनाइट वर्क किया जाता है। एंड ये फर्सी लगाएगा नाले के ऊपर। ड्रेनेज एक जो है स्टेप्स दिया गया यहाँ पे, कार पार्किंग के लिए ये बनाया गया। एंड यहाँ पर पार्किंग टाइल्स, सेफ्टी ग्रिल्स कंपाउंड वॉल की तरफ, सीलिंग पैटर्न, और ये ग्रेनाइट वर्क। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिएगा ग्रेनाइट, हाई ग्लोसी ग्रेनाइट का यूज़ किया गया, एकदम शाइनिंग और फिनिशिंग भी मस्त आया दोस्तों। कटिंग, मेन जो कटिंग रहता है, जो एक्सपर्ट बहुत अच्छा काम किया। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका मेन डोर, मेन डोर वर्क, एलिवेशन टाइल्स। और एक चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 3 इंच का जई कट छोड़ते हैं। देखो वो नहीं छोड़े तो ये बेटर है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट बोले तो नहीं छोड़े। मेन डोर ये एंटर किया हॉल के अंदर, ये आ जाएगा हॉल आपका। सीलिंग पैटर्न आपका, टीवी यूनिट एरिया, लाइट पॉइंट्स भी दिए गए उसी के अंदर। और इधर से उधर एक बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम है, किचन, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ देखिएगा। बाथरूम सेपरेट, किचन टॉयलेट रूम सेपरेट लिया है यहाँ पर। ये एक स्टेप ज़्यादा है, पाइपलाइन वो सब जो भी आता है उसके लिए। एंड ये टॉयलेट रूम, इंडियन सिटी, और ऊपर के ऊपर वहाँ पे रखने के लिए जगह। फिर ये आता है नहाने का जगह, बाथरूम, यहाँ पे भी उधर ही रखने के लिए बनाया गया ग्रेनाइट में। और इधर आता है किचन। सो किचन प्लेटफॉर्म देखिएगा, छोटा सा पूजा मंदिर यहाँ पे। किचन प्लेटफॉर्म भी ऐसा है, वाइट पिंक का डेकलम का यूज़ किया है कॉम्बिनेशन। दूसरा सिर्फ कवर अप है, इसके अंदर ना ग्रेनाइट वर्क है, देखिएगा आप भी इसके अंदर ना ग्रेनाइट वर्क। या फिर कुछ जगह खुला है, कुछ जगह भरे सो है, ग्रेनाइट का ही शेल्फ दिया गया इसी के अंदर। इसमें और एक टाइप का आता है, वो स्लो क्लोजर बोल के, वो भी आप ये कर सकते हैं। सिंक एंड यहाँ पर स्टोरेज के लिए जगह, ऊपर का भी सेम उसी तरह से बनाया गया स्टोरेज। ओके, अब इसके बाद चलते हैं बेडरूम की तरफ। यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए जगह, इन्वर्टर वो कुछ भी रख सकते हैं। Thank you.
डोर, ये बेडरूम रेडीमेड डोर्स, फर्नीचर वर्क्स, तो उसके ऊपर भी कवर अप किया गया है। या अंदर जो है ग्रेनाइट है दोस्तों, ऊपर सीलिंग, लॉक है फिलहाल। तो कई लोग हमको पूछे थे कि ग्रेनाइट या फिर शेल्स बनाए जाए तो उसके ऊपर फर्नीचर को कैसा करना, तो स्लाइडिंग आपको बिठाना पड़ता है, ये कंटिन्यू ऊपर जाके स्लाइडिंग का किया गया। मेकअप बॉक्स, मेकअप यूनिट एरिया, उसके बाद यहाँ पे और एक बेडरूम, यहाँ पर भी सेम ग्रेनाइट वर्क लिया है। और एक बेडरूम, सीलिंग, दैट्स इट। ये था 2 BHK पोर्शन ओनर का। थैंक यू।